बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आप लोगों को जो वेकेशंस हैं आजकल उसका टास्क सब टीचर्स की तरफ से इशू किया जा रहा है, तो 7 क्लास के लिए आपको उर्दू का काम मैं समझा रहा हूँ, ये नोट कर लें अच्छे तरीके से और इसको समझ लें। आपने अनसीन में मजमून करना है हमारा निज़ाम तालीम, एक वर्कशीट पर जिसमें 250 वर्ड्स हों, 220 to 250 वर्ड्स पर, ठीक है, वर्कशीट पर। ये आपने अनसीन वर्क है, या कहीं से भी कोई गाइडलाइन ले सकते हैं, पेरेंट से गाइडलाइन ले सकते हैं, उसके बाद अपने खुद से सोच कर लिख सकते हैं। उसके बाद खत है सैलाब से मुतासरा किसी अजीज के नाम, खत का तरीक़ाकार आप 6 क्लास में अच्छे तरीके से नोट भी कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं। उसके उसमें आपने किसी अजीज के नाम मदद की यकीन दहानी करवानी है। वैसे मैं ऑलरेडी इसके नोट्स भी आप लोगों को, ये जो लिंक आप लोग लेंगे यहाँ से इस वीडियोस के बाद रिलेटेड जो नोट्स आपको मिलेंगे उर्दू में, वो इसमें इंशाल्लाह मैं खत भी आपको दूंगा। अब आइए दरख्वास्त, प्रिंसिपल का नाम लाइब्रेरी की कुतुब में इजाफे के लिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का जो तरीका है वो भी आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं 6 क्लास में, फिर भी मैं आपको ये भी भिजवा रहा हूँ। उसके बाद ग्रामर वर्क है, गलत फिक्रात की दुरुस्ती, सफा नंबर 16, 17, 40, 41, ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर, एक बार फिर सुन लें, ये जो पेज नंबर लिखे हुए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक पेजेस हैं, और गलत फिक्रात की दुरुस्ती उनसे भी होगी। इसके अलावा साथ आपको मैं नोट्स भिजवा रहा हूँ जो गलत फिक्रात की दुरुस्ती के लिए, वो वहां से आप लोग करेंगे। उसके बाद आइए हिस्सा है नज्म और नसरी इसबाक, यानी आपकी टेक्स्ट बुक का काम, उसमें हमारे 3 चैप्टर्स आपको करवा रहा हूं मैं, हम ऑलरेडी आधा चैप्टर हो चुका है। उसके बाद नात और नज्म ज़ब्त, ठीक है, ये आप लोगों ने करने हैं। उसमें आपने सबसे पहले इनके अल्फाज़बानी याद करने हैं जो आपको फरहंग से बुक थे, जो बैक साइड पे फरहंग लगी हुई है वह अल्फाज़बानी लिखे हुए हैं, वहां से याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा हमद और नात, मरकजी ख्याल में आपको हमद का लिखवा चुका हूँ, कुछ तशरीहात भी हो चुकी हैं, मुतजाद और अल्फाज जुमले वगैरह भी हो चुके हैं। नात का ये सारा काम आपको नोट्स की सूरत में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आपने अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करना है नोटबुक्स पर। याद रखे बेटे, आपने अपनी लिखाई को बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। उसके अलावा खुलासा जात है, अल्फाज जुमले, अल्फाज मुतजाद, वट एवर जो भी आपको नोट्स में इसका हिस्सा होगा वो आपने इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह आते ही आपसे इस सिलसिले में 2 टेस्ट भी लिए जाएंगे। जज़ाकुल्लाहु खैर।